तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर के टेक्निकल जी। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रॉइड को इन 2024 ओवरक्लॉक कर सकते हैं विदाउट रूट के। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं वही गाइड करूंगा किस प्रकार से आप अपने किसी भी लो एंड एंड्रॉयड डिवाइस को ओवरक्लॉक करके उसकी डिवाइस की परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिया है, वहाँ पर से जाकर आपको कुछ इस प्रकार से वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जो कि दोस्तों वो जिप फाइल के रूप में कन्वर्टेड है। उस फाइल को दोस्तों सिंपली से आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है जेड आर्चीवर। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगी, इसको आपको सिंपली से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। देन दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली से जहाँ पर भी आपने उस जिप फाइल को डाउनलोड करी है उसको लोकेट करा लेना है। लोकेट कराने के बाद दोस्तों सिंपली से इसको कर देना है आपको एक्सट्रैक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, जिप फाइल को आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको अगेन नया फोल्डर देखने को मिल जाएगा। अगेन दोस्तों उस पर आपको जिप फाइल देखने को मिल जाएगी। अगेन उसको अगेन यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक स्क्रिप्ट की फोल्डर और एक एपीके की फोल्डर। आपको सिंपली दोस्तों उस स्मार्ट कर्नल वाले एपीके को कर लेना अपने डिवाइस में इंस्टॉल। इंस्टॉल करते वक्त दोस्तों आपको जेड आर्चीवर के थ्रू परमिशन मांगेगा, परमिशन आपको प्रोवाइड करा देनी है। देन दोस्तों इंस्टॉल एनीवे पे आपको कर देना है क्लिक। जी हाँ दोस्तों, मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे, देन आपको इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपके डिवाइस में स्मार्ट कर्नल एप्लीकेशन आपके डिवाइस का हो जाएगा इंस्टॉल। आप देख सकते हो दोस्तों, स्मार्ट कर्नल हमारा एप्लीकेशन देखने को मिल चुका है, उसको आपको सिंपली से कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों सिंपल से क्या कर लेना है, थ्री डॉट का दोस्तों ऊपर में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वर्चुअल मेमोरी का। जी हाँ दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों अप्लाई ऑन बूट पे आपको सिंपली से इसको एनेबल कर लेना है। देन अगेन दोस्तों वर्चुअल रोम टर्मिनल पे आपको सिंपली से इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद दोस्तों अगेन आपको थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पे मैं दोस्तों यहाँ पर से कर लेता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों उसके जस्ट नीचे आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस ट्विक्स का ऑप्शन। परफॉर्मेंस ट्विक्स पे दोस्तों आपको कर देना है सिंपल से क्लिक। क्लिक आप जैसे करेंगे दोस्तों यहाँ पर से आपको जिस भी मोड पे आप अपने एंड्रॉइड एनेबल करना चाहते हैं, चाहे आप गेमिंग मोड हो या फिर बैटरी मोड हो या फिर परफॉर्मेंस मोड हो दोस्तों, उस पर आप एनेबल कर सकते हैं सिंपल से। दोस्तों मैं अपने डिवाइस को कर देता हूँ परफॉर्मेंस मोड पे सेट। परफॉर्मेंस मोड पे सेटअप करने के बाद दोस्तों अगेन आपको थ्री डॉट पे कर देना है क्लिक। थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा एक स्क्रिप्ट मैनेजर का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रिप्ट मैनेजर का ऑप्शन भी आपको कर देना है सिंपल से क्लिक। स्क्रिप्ट मैनेजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रिप्ट मैनेजर का इंटरफेस यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। अप्लाई ऑन बूट वाले ऑप्शन को कर देना है एनेबल। एनेबल करने के बाद दोस्तों एक आपको प्लस का सिंबल देखने को मिल जाएगा, प्लस के सिंबल पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इंपोर्ट करने का और क्रिएट करने का। आपको सिंपल से दोस्तों क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट भी आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको दोस्तों सिंपली से अपने जो जेड आर्चीवर एप्लीकेशन ओपन करी थी उसको अगेन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जहां पर भी आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कराया था, अपनी जो स्क्रिप्ट की फाइल की जो फोल्डर बनी थी दोस्तों आप देख सकते हो उसके ऊपर वाली फाइल, उस पर सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों फर्स्ट फाइल आपको देखने को मिल जाएगा एक्टिवेट cpu.sh की फाइल, इसको सिंपली से रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद सेलेक्ट ऑल कर लेना है दोस्तों, इसका जो नेम है उसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहां पर लाकर पेस्ट कर देना है। जी हां दोस्तों, यहां पर स्क्रिप्ट मैनेजर में पेस्ट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगेन आपको जेड आर्चीवर में जाना है। जेड आर्चीवर में जाने के बाद दोस्तों जो cpu.sh की फाइल है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कहीं पर भी आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेलेक्ट ऑल करना है। देन इसको कर लेना है आपको पूरी तरीके से कॉपी। जी हाँ दोस्तों, सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको कॉपी करने के बाद अगेन आपको स्क्रिप्ट मैनेजर पे चले आना है। देन यहाँ पर से उसको कर देना है लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कॉपी वहाँ पर से करना है। देन यहाँ पर से स्क्रिप्ट मैनेजर पे लाकर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों
इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों अगेन आपको यहाँ पर से एक डॉटेड डॉटेड वाला सिंबल देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से अप्लाई ऑन बूट पे क्लिक करना है। देन इसको दोस्तों एग्जीक्यूट का ऑप्शन आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा, एग्जीक्यूट पे आपको क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली दोस्तों आपके डिवाइस में जो सीपीयू है वो ओवरक्लॉक हो चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप अपने डिवाइस का रिफ्रेश रेट भी ओवरक्लॉक करना चाहते हो, इसी प्रकार से मेथड आपको फॉलो करना है। देन अगेन दोस्तों अपनी जो दो फाइल बची है उनको भी कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट ऑल कॉपी करके आप इसको एनेबल कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये इनफ है कि आपने अपने डिवाइस का जो सीपीयू है उसको ओवरक्लॉक कर लिया है, तो आपको एक अल्ट्रा हाई लेवल की परफॉर्मेंस आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।